कृषि को लाभ का धंधा बनाने और किसानों को कृषि के नए संसाधन उपलब्ध कराने के लिए इंदौर में 4 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला ने किया। साथ ही बताया कि कृषि मेले में किसानों को विभिन्न तौर तरीकों से कृषि में आय दुगनी करने के तरीके कृषि वैज्ञानिकों द्वारा सिखाए जा रहे हैं। यह मेला कृषि विज्ञान महाविद्यालय प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में भी किसानों को जानकारी दी जा रही है, साथ ही खेती से जुड़ी हर छोटी बड़ी बातें किसानों को बताई जा रही है, जैसे अच्छे खाद, उन्नत बीज, जैविक खेती के बारे में किसानों को जानकारी दी जा रही है। वहीं आधुनिक कृषि उपकरण की भी प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में कई प्रकार के आधुनिक कृषि उपकरण के बारे में किसानों को जानकारी दी गई, जिससे किसान सरल तरीके से कृषि को लाभ का व्यापार बना सके। यह कृषि मेले में प्रदेश के 12 संभागों के किसानों के लिए लगाया गया है, जिसमें बड़ी मात्रा में किसान सम्मिलित होकर कृषि के आधुनिक तौर तरीके सीख रहे हैं। वहीं किसानों को जैविक खेती के बारे में भी जानकारी दी जा रही है, साथ ही पशुपालन, मत्स्य पालन करने व अन्य शासकीय योजनाओं की जानकारी किसानों को दी जा रही है। यह कृषि मेला 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक कृषि महाविद्यालय पर आयोजित किया जाएगा। कृषि मेले का शुभारंभ करने आए मंत्री रूपाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की और बताया कि सक्सेस स्टोरी और नए संसाधनों को किसानों तक पहुंचाने के लिए इस कृषि मेले का आयोजन किया गया है। कि मुझे सगर्व कहना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने देश में कृषि क्षेत्र में सामने से इनिशिएटिव लेकर इनको बढ़ावा देने का सबसे अच्छा काम किया है। कृषि फ्रेंडली नीति मध्य प्रदेश में उन्होंने जो लागू की है, इसके चलते एक समय था जब मध्य प्रदेश कृषि के अपने पूरे देश के नक्शे में उनका कोई जगह नहीं था, वहाँ आज वो अव्वल नंबर पे, मैं कहूँगा कि एक नंबर पे वो चल रहा है। प्रोडक्शन की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कोशिश करके मध्य प्रदेश में जिन भूमि पर कृषि होती ही नहीं थी वहाँ कृषि लाने का काम किया। जो भूमि इरिगेटेड नहीं थी उसको इरिगेटेड करने का बहुत बड़ा परिश्रम किया है। सरकार द्वारा प्राइवेट सेक्टर, इन्वेस्टमेंट्स, रिसर्च, सभी लोगों को साथ में जोड़कर कृषि में नवागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के चलते ही कृषि को लाभ का धंधा बनाया जा रहा है। कई कंपनियों को साथ में जोड़कर, कई सक्सेस स्टोरियों को साथ में जोड़कर कृषि क्षेत्र में जो नवाचार हो रहे हैं इनको दिखाने का एक ये सबल प्रयास है। प्राइवेट लोग और इन्वेस्टर्स और रिसर्चर, इन सभी लोगों ने मिलकर ये प्रयास किया हुआ है। इस प्रयास के माध्यम से और आप सब के माध्यम से, इन लोगों के बजाय मैं तो आप सबको बताना चाहूँगा, मीडिया के लोगों को, कि आप भी इन स्टॉलों की मुलाकात लेकर, मैं स्टॉलों का मार्केटिंग आप करो इस विषय में नहीं कह रहा हूँ, मगर आप में, आपको उसमें से जो भी नवाचार लगे, जो नई चीज लगे और जो कृषि के लिए, किसान के लिए हित की चीज लगे, उनको दिखाना, उनको किसानों के प्रति जागरूकता लाने में क्या आप सहयोग दे सकते हैं, इन सभी को मिलाकर कुछ नई चीज़ें हमारे कृषिकार करने के लिए आगे आएंगे तो देश के कृषि को बहुत फायदा। वहीं किसानों के प्रदर्शन पर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए रूपाला ने कहा कि जो उसकी अगुवाई कर रहे हैं वह कई सालों तक शासन में रहे हैं। वह बताएं कि उन्होंने किसानों के लिए क्या किया है। बस वह कहते रहते हैं, डॉक्टर स्वामीनाथ की रिपोर्ट को हमने शामिल नहीं किया है। पहले वह बताएं उन्होंने किसानों के लिए क्या किया है। देखो, मैं सीधा ऐसा ही कहूंगा कि ऐसी साजिश है तो पॉलिटिकली माना जाएगा, मगर मैं इतना जरूर, आपने सवाल कहा है तो बताना चाहूँगा कि जो लोग इसकी अगुवाई कर रहे हैं और किसानों के हामी बनकर जो कर रहे हैं, वो लोग बहुत साल तक शासन में रहे हैं, मगर वो ये नहीं बता रहे हैं कि हमारे शासन के काल में हमने ऐसी कृषि नीति बनाई थी,
वो हमें ये बता रहे हैं कि ये आप डॉक्टर स्वामीनाथन के रिपोर्ट में से ये चीज़ लागू नहीं कर रहे हैं, ये ज़रूर हमको बता रहे हैं, मगर ये वो नहीं बता रहे हैं कि डॉक्टर स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट हमको मिली थी वो 10 साल तक हमने मेज के नीचे रखी थी, वो हम नहीं बताएंगे। उनमें से एक चीज़, 11 चीज़ आपने की है वो नहीं बताएंगे, एक चीज़ आप नहीं कर रहे हैं वो बता रहे हैं। आज तक सही मायने में देश के किसानों की आय के बारे में किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने कुछ भी नहीं कहा है। ये देश का और किसानों का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पे अपनी सरकार के सामने लक्ष्य रखा कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करेंगे।